एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां खेल मंत्री जीतू पटवारी से मिलने खिलाड़ी पहुंचा है। आपको बता दें रामेश्वर गुर्जर खिलाड़ी का नाम है। ये खिलाड़ी बगैर किसी ट्रेनिंग के सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, जिसे मुलाकात की है खेल मंत्री जीतू पटवारी ने। बिना किसी ट्रेनिंग के कम से कम समय में दौड़ता है रामेश्वर। जीतू पटवारी ने कहा है, हम खिलाड़ी को हर संभव मदद देंगे, कुछ दिन अकेडमी में ही रामेश्वर रहेगा। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद सरकार की तरफ से हो पाएगी। रामेश्वर भी कह रहे हैं कि मैं देश के लिए खेलना चाहता हूं, मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। तो खेल मंत्री जीतू पटवारी की तरफ से खेल को बढ़ावा देने के लिए कदम आगे बढ़ता हुआ कह सकते हैं, क्योंकि जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, वो खिलाड़ी बगैर किसी ट्रेनिंग के सबसे तेज दौड़ता है, और इसे अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो लाजमी है कि देश के लिए जरूर ये खिलाड़ी मेडल लेकर आएगा। और खिलाड़ी रामेश्वर का कहना भी है कि वो कुछ दिन अकेडमी में जब रामेश्वर अगर रहता है, तो खिलाड़ी रामेश्वर ने भी कहा है कि देश के लिए वो खेलना चाहते हैं और मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसको हम मीडिया कहते हैं या जर्नलिज्म कहते हैं, वो उन्होंने हमें इनके जरिए रामेश्वर का 11 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ने की बात संज्ञान में। वैसे ही मैंने विभाग के अधिकारियों को बताया इस बात को कि रामेश्वर का ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंतर्गत ये शिवपुरी का है। हमने हमारे शिवपुरी के DSO को निर्देशित किया है कि बच्चा कहाँ है, कैसा है, मैं बात करो। अगर 11 सेकेंड का भी नहीं है तो भी अगर अच्छा दौड़ता है, और चूंकि गरीब परिवार का है, 3 एकड़ जमीन है, 3 बीघा जमीन है माता पिता के पास, पूरा परिवार उसका पालन पोषण करता है, यानी मूल रूप से खेलने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो पहले इकट्ठा करने की क्षमता नहीं थी परिवार।